हो गई, तो एक गेम कम से कम ऐसा करो जिसमें 30+ हो रहे हैं। भाई चाइल्ड का हुई है भाई, 46 हुई है। हाँ 46 ही मानो, मेरी भी ज्यादा हुई। रहने तेरे किल कम हुए थे ना, इस ज्यादा हुए थे मतलब। तीन ही किल हुए थे। ओए भाई ऐसी बात तो चल रही है, मेरे भी चुभ रही है। मैं इतना बुरा गाता हूँ जिंदगी। आखिर तुम्हें पता लग ही गया तुम गाने पे कह रहा था, छोटे बच्चे समझ नहीं आ रहा। अरे तू तू सही नहीं बोलता यार, बोल तो सही नहीं। भाई मैं अच्छा बोलता हूँ, चलो ऑफर जा तुम पहले। नहीं पहले तू बोल, मुझे हंसी आ जाएगी बंदा भाई। इसका मैं सुन चुका हूँ, छोटे बच्चे हो क्या समझ नहीं आता किस साथ। अरे वो तो छोटी बच्ची बोलता है। अच्छी बच्ची हो वही वही। अरे इसमें क्या, बीच में भी लड़ाई करूं ना, तू जीत गया जा ऐश कर। तुम भी तो बोल के दिखाओ, मैं देख। अब मुझे अवार्ड मिल रहा, बच्चे हो क्या रयान तुम। ये जो रयान तेरे पे ही डायलॉग मार दिया यार, मैंने इतना उसको जीत दे दी। अब रयान देख ले सचिन 1998 का देख ले, हैंडल का वो देख स्टांस भाई क्या बढ़िया लग रहा है। Oh my god, इसकी? My favorite, Tendulkar, the all-time great. क्या खेल रहा Tendulkar? Oh, Tendulkar is playing ODIs in 1998 versus Australia. Tendulkar. तुम highlights देख रहे हो? Why? हमारा तो बस इजी बात है, हमारा हाईलाइट में ज़्यादा मज़ा आता है। मैच तो बहुत लंबा चलता है भाई, हम तो देखते नहीं भाई मैच मैच पहले देखते थे एक वक्त मैच, मज़ा आता था। ऐसी पर जब से सुनील गावस्कर ने रिटायरमेंट लिया ना, उसके बाद से मन नहीं करता लाइव मैच देखने की। बात भाई मैच तो क्या इंसान है यार, अजीब सा। वाह सी बात है, एक ही हमारा फंडा है जिंदगी का, वो ये अपना फेवरेट प्लेयर अगर रिटायर तो हम रिटायर। और जब से गावस्कर सर ने रिटायरमेंट लिया हमने तो मैसी की बात तो तू फुटबॉल ही खेलना छोड़ देगा, देखना छोड़ देगा। नहीं नहीं मैंने अपने सेकंड फेवरेट प्लेयर बनाता जा रहा हूँ ना मैं। अब जैसे मुझे हालैंड पसंद है, ही यू आर अ पूर मैन, मैं सोच रहा हूँ कि अब उसकी टीम का फैन बनूं आने वाले समय में, क्योंकि अब मेसी अपने बूट्स का भी हैंग कर सकता है। करो भाई करो, मारो भाई को। हमारा क्या है तो भाई, प्लेयर प्लेयर मार के भी क्लियर ही बनाते हैं। सीधी सी बात तो जिंदगी ऐसे आगे बढ़ाने आते हैं। अबे मेरा किल चुरा लिया दूसरे बोट ने। ओ भाई यार बड़ी ही दुख की बात है भाई, बड़ी ही दुख की बात है बेटा। तू आज मुझ पे हंस रहा है ना, तेरे साथ भी यही होने वाला, जिन जो जिस पे जैसे हंसता है वो उसके साथ वैसे ही होगा। हंस ले बेटा, अल्लाह पास के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। भाई ये बता दे कैसे आजकल किलो पे। ट्रू एक्टर मैन, ट्रू एक्टर। एक्टर की बात थी भाई, जेन्युइन एक्टर नहीं बेटा, सच है ये। ओ भाई सुनने में आ रहा है बहुत उड़ ले रहे हो तुम। अब अगर मुझे बंदा दिखाना भाई मैं छोड़ूंगा। आओ जल्दी चलो भाई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वही तो हर महीने इंसान 45 लाख 45 हजार को खर्च करने तक।
जमा कर। अरे तो क्या हो गया यार, ऐसी बात नहीं है यार। कितने पैसे लगे वैसे? बाल में तो ज्यादा लगते हैं, कैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं। मेरे पीछे गाओ जो मैं बोल रहा हूं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह चिकन डिनर अंगूरी का है आशिक यही माना। हां सीधा तुम हो अंगूरी पे, नाम मेरा लेते हो। कैसा आशिक अंगूरी से पिटना चाहता है क्या मुझे? बनारस का अंगूरी पीट देगी, कहेगी मेरा नाम हर किसी के साथ जोड़ता रहता है, तू ही है बस मेरा आशिक। अलग बस बस मेरा मुंह मत खोलवा। नहीं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है अपने प्यार की, किसी के साथ भी नाम जोड़ना उसका, मैं अपने साथ भी जोड़ना। पागल है कि कितना गंदा है भाई, कितना गंदा भाई ये। नहीं बात सच, भाई सीधी सी बात है हमारे इस भैया भैया। स्टेप्स की आवाज पर्दा तुम्हारी है क्या? नीड नाइस ट्राई ना, तुमने मारे नाइस ट्राई बोल, तुमने मारे नीड नाइस ट्राई। अरे मैं नहीं हूँ नाइस ट्राई, अरे मैं नहीं हूँ नाइस ट्राई, अरे मैन दिस इज नॉट मी मैन। क्या पेहो सुन रहे हैं के? चलो बोरिंग हो रहा है। अच्छे कम भाई उसको फिर उसके चलते हैं, क्या टेंशन है। इतना भरोसा है अपने आप पे, मतलब तेरे पे ज्यादा है कि तू ऐसे कुछ करे तो। हम तो भाई फुल्ली कॉन्फिडेंट प्लेयर है भाई, आओ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हेड मारो। अमान बता रहे थे कि अभी क्या हुआ, कह रहे मेरी गाड़ी चलाते चलाते वो होता है ना एक्सेलरेटर स्पीड वाला, वो एकदम नीचे को खुद ही चला गया, और कह रहे कि उसके बाद फिर मैंने इतने सामने देखा तो डिवाइडर पे चढ़ गई गाड़ी। भाई ऐसे कैसे जा सकता है भाई, ये तो बहुत ही अजीब बात है। अरे यार बहुत ज्यादा थर्ड फोर्थ हैंड वाली बाइक नीचे जाता रहता है, हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है एक्सीडेंट भी ट्रक हो गया या तो टाइम टू टाइम सर्विस नहीं हो रही होगी उस कार। हां नहीं, और मुझे ये भी लगता है कि उसका जो एक्सेलरेटर होगा वो जो है ना प्रॉब्लम क्या हुई होगी उसमें, कभी-कभार ना ऊपर आने में जब बहुत पुरानी गाड़ी रहती तो अटक गया होगा एक्सेलरेटर एक तरह। और सीधा सुख वहां से वहां वाले डिवाइडर पे घुसा दे, बहुत ज्यादा खतरनाक उसका एक्सीडेंट हुआ था भाई। सो कह रहे थे उसके वैसे चोट भी नहीं आई थी, ऐसा पता देखा कि उसके वैसे गाड़ी नहीं चलाई, बाइक गाड़ी नहीं चलाई, बाइक बाइक उस गाड़ी नहीं चलाई। हां उसके बाद उसने कार नहीं, उसके बाद से कार छोड़ दी। पर वो तो चलाने को कह रहे थे, अब चला रहे वो चला ले, वो तो कार छोड़ दी, कार छोड़ दी। वो तो हालत टाइट हो गई भी, दिल धड़कने रहेंगे उसके इनके। गाड़ी सारा कॉन्फिडेंस का खेल है भाई, घबराना नहीं चाहिए, घबराते ही एक्सीडेंट होते हैं सबसे पहले तो। क्योंकि भाई क्योंकि घबरा गए तो एकदम से एक्सीलरेटर वो जो स्पीड वाला होता है एक्सीलरेटर वो दब गया ना गलती से भी, सीधा ही दुबेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं लोग, बहुत घबराते हैं, वो कभी कभी ब्रेक की जगह कुछ और दबा देते हैं, सीधा एक्सीडेंट ही होता है। पर मुझे समझ नहीं आई आज तक ये बात कि लोग कैसा कर सकते, कैसे कर सकते हैं। मेहनत यार पता है भाई, नहीं यार जब बहुत ज्यादा किचकिच होती है ना ऐसे एरिया में होता है बहुत ज्यादा, आदमी घबरा जाता है तो हो जाता है भाई नर्वसनेस। अच्छा चलो ठीक है, मानी मैंने ये बात, लेकिन जब तुम्हें दो ही ऑप्शन है क्योंकि तुम्हारा एक पैर तो रहता है क्लच पे हमेशा forever, तो वही होता है भाई ना, पैर ही तो शिफ्ट होगा तो आप क्लच की जगह सॉरी एक्सेलरेटर की जगह। हां तो तुझे पता लग जाएगा, तुझे तू चलाएगा गाड़ी ज्यादा लंबी तो यार जब मैंने पहली बार भी चलाई थी ना तब मुझे इतना पता। मैंने जब अभी पार्किंग में निकाल ली थी भाई, इतनी भीड़ हो गई थी किचमिच किचमिच, तो सीने भी आ रहे थे। मुझे क्या लगता है तुम कैसे चलाते होंगे कि तुम एक्सेलरेटर की जरूरत है वो इस वजह से हुआ।
एक्सप्लोर भाई पार्किंग को निकालना कोई आसान काम नहीं है भाई, लग जाती है भाई साइड में। तुम्हें ये तो नहीं लगता फरजाद जी, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि चलाई नहीं ना अभी, बहुत चलाओगे ना जब अभी एक दो हफ्ते बाद तुम्हें लगेगा कि मैं इसको समझता नहीं। वो पार्किंग थोड़ी है भी अलग, वो उसकी ना पार्किंग का वो सही नहीं बना, क्या नाम है। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये तो नहीं करते कि करवाएंगे तुम अपना क्लच का, तुम्हारा जो क्लच का पैर है तुम वो भी मूव करते रहते हो भाई मेरे नहीं भाई, वो तो एक ही जगह रहता है, तो क्लच ही दबता रहता है, वो खुलता रहता है। क्लच वाले को थोड़ी छेड़ते हैं, स्पीड और उसे छेड़ते हैं खाली, मतलब वो वाला वो भी पैर उठता नहीं है, वो भी खाली तो मतलब नीचे रहता है, वो खाली उससे मतलब आगे जो होता है तो बिल्कुल नहीं हिलता। और अब तुम मुझे खुद बताओ, ये कॉमन सेंस की बात नहीं है कि अब कैसे कुछ हो सकता है अगर वो है तो, अगर एक पैर वहाँ पे हमेशा रह रहा है। गलती से स्पीड ज्यादा चल जाती है कभी कभी, वो होता है स्पीड पे ज्यादा तेज दब जाता है, अगर एक्सीलरेटर से पैर हटेगा तो डायरेक्ट ब्रेक पे ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। अरे ब्रेक पे जाएगा तो भाई कभी कभी होता है कि स्पीड वाला भी तेज दब जाता है किसी किसी पे, तो फिर एकदम ब्रेक दबा दो। यही तो हुआ था भाई हमारे घर के सामने उधर वहाँ पे रहते थे, तो वो बेचारा नया नहीं सीख रहा था, उसने वो मतलब वो नहीं सीख किया था मतलब, पर इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ था, तो वो भाई रोड पे चले गए लेके गाड़ी अपने दोस्तों के साथ। और उसके बाद वो क्या करा उसने कि वो क्या कहते हैं नहीं कि स्पीड गलती से उससे उसने पता नहीं कुछ हुआ, नर्वस हो गया, एकदम से ट्रक आया और उसने एकदम से ब्रेक की जगह उसने स्पीड पे एकदम तेज गलती से कर दिया और वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और अब तुम्हें मैं एक और बता दूं, जो ये साइबर तो एक बार हाँ। एक बार इनाम में करते हुए बाइक चलाते हुए कम से कम 5 साल तो इस बार में बाइक के करते हुए बाइक चलाते हुए साइबिंग राज में बाइक से हुआ है बाइक से हुआ यार करता दे ठीक है। तो उन्होंने में कांसे में पीछे बैठे तो ना साइबिंग तो साइबिंग क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ करते हुए करते हुए आराम से तो ना दो तीन लोग आसपास आए उनके और दो तीन लोग आसपास तो भाई यार कितना क्रिटिसिज्म मिल रहा है भाई लड़के को, बल्कि उसने दोनों उसने बल्कि उसे उसे उसने मिल रहा है कि उसने थूका बोल रहे हैं सब, पर उसने थूका भाई उस बंदे ने सिर्फ दुआ बड़ी की थी यार। आप तो खैर आमिर खान ने भी नहीं, आप सोच लो मैंने देखा नहीं आमिर खान झुका जरूर था पर उसने हाथ नहीं जोड़ा, हाँ वो नहीं वो ऐसी ट्रिब्यूट देते हैं शाहरुख खान ने हाथ तोड़ के वो साइड चक्कर लगाए थे उसने, लेकिन वो चलो वो हाँ वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि वो पता क्यों वो पता क्यों था क्योंकि जब भी किसी को ट्रिब्यूट देते ना वो हिंदू रिचुअल्स की बात नहीं थी ना, वो हिंदू वो हिंदू रिचुअल यार अनस यार हिंदू में ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी हुआ था, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम के सामने किसी भाई कोई हमारे यहाँ अलाउड नहीं है किसी भी डेथ बॉडी के सामने हाथ जोड़ना चाहे, इंडियन रिचुअल हमारे यहाँ गुना है वो, तो बस उसको तू डिफेंड मत कर। हां वो बात ठीक है लेकिन फिर तो उस चीज लेकिन उसको बेचारे पीछे तो पड़े ना भाई, वो उसकी जिंदगी वो कुछ भी करे मुझे क्या और तुझे क्या मतलब, उस बंदे के पीछे पड़े ना लोग, सिर्फ एक मुस्लिम नाम है उसका, खान है उसके आगे पीछे लगा हुआ, तो नहीं तो जितने लोगों ने क्रिटिसिज्म किया उतने लोगों ने सपोर्ट भी तो किया ना, वो भी तो देख नहीं करा ज्यादा लोगों ने मेरे पूरा पूरा मीडिया ने उसे सपोर्ट किया शाहरुख खान ने को, इंडियन मीडिया नहीं नहीं बस कुछ हिंदू टिपिकल शो थे काफी लोगों के जो ज्यादा हिंदू है वो ये मुझे एक शाहरुख खान जी मैंने एक न्यूज़ चैनल पे भी नहीं देखा कि गलत दिखाया, वो सब ने यही कहा और सब सपोर्ट भी कर रहे हैं पॉलिटिशियन जी सब शाहरुख खान की उसको वो तो बहुत ही बुरा करेंगी सारी जो सारे जर्नलिस्ट जो है वो ट्विटर के सब ने सपोर्ट किया, एक भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं कहा कि क्यों कर दिया, एक जो जर्नलिस्ट दिखा दो तुमने एक टाइटल्स तो बहुत ही बुरे थे मतलब उनके हेडलाइंस जो थी क्या इसने सच में थूका ये सब, तो भाई अरे बस एक एक जर्नलिस्ट सुदर्शन न्यूज जो करता है वो हरकत वो तो अच्छा, उसके अलावा एक चैनल ने नहीं गिरा बहुत हेट मिल गया अभी भी तुम जाओगे ना तो वहाँ पे अभी भी सबसे ऊपर ये आएंगी चीजें
हाँ तो वैसे भी शाहरुख खान नॉर्मल बस चक्कर लगा के आ जाता, खामा का इतना करना की जरूरत थी नहीं वैसे, ठीक है उसने कर दिया उसके लिए। नहीं वो उसका मन था करने का, वो उसकी मर्जी। हाँ तो उसको नहीं रोक, वो उसको नहीं रोक सकता कोई, लेकिन हाँ तो फिर वो बात है, वो बात है, पर उसके लोग ना काफी देखा मुस्लिम है और दुआ पढ़ रहा है, अच्छा लगा हमें देख के। पर ये भाई उसने पर कल इतने काफी लोग खुश भी थे कि मतलब उसने वो और साइड में हाथ जोड़ रही थी और एक दुआ मांग रहा था। हाँ, वो सब कुछ वो बताता है कि कैसे उसकी मैनेजर थी, पर पूरा पीआर हुआ है भाई, सब ने सेम फोटो डाली, सारे तो जर्नलिस्ट फिल्म इंडस्ट्री के सब ने डाली सेम फोटो, सब ने एक ही कैप्शन डाला है दिस डिफाइन इंडिया, बस सब ने एक साथ, तो सब यही कह रहे थे कि भाई क्या मतलब उन जो लता मंगेशकर की जो डेथ थी उससे ज्यादा बड़ा बना दिया उसने। अच्छा है भाई, इतना भी नहीं होता, ऑफ कोर्स ले रहा है ना, होती पीआर है वो, ऑफ कोर्स पीआर, पीआर की जितनी पावर होती है किसी चीज के, एक ट्विटर नहीं नहीं 1 लाख की बात नहीं है वो, पीआर पीआर कुछ नहीं था भाई, वो सब लोग बहुत खुश हो गए रहन, पूरी कंपनियां होती है, पंजाब पीआर की टीम नहीं होती, पंजाब में पीआर के बिना तो कोई कंपनी बनती, बिना बिना प्रमोशन की कोई कंपनी बनती नहीं। हाँ सबका होता है वो तो है ही, तो एक भी ऐसा नहीं, लेकिन ये जो कल हुआ वो पीआर की बात थी, ये सोर्सेज आती हैं। अच्छा ये जो सोर्सेज आती हैं तो ये सोर्सेज न्यूज़ चैनल कौन होती है, पीआर ही तो होता है उसको प्रमोट करने के लिए, वो करेंगे पूरी कोशिश। नहीं तो ये जर्नलिस्ट को पे करते हैं, ये जर्नलिस्ट को पे किया जाता है, ये सिर्फ शाहरुख खान नहीं, वो हर एक्टर का होता है। अरे शाहरुख खान मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ शाहरुख खान ने ऑफ कोर्स ये तो किया नहीं होगा कि मैं किसी की डेथ पे जा रहा हूँ, हम डिसाइड कर लेते हैं, मेरा तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। अरे वो पीआर मूव नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब उसे हेट्रेड मिल रहा था उसे पॉजिटिव में भी तो कन्वर्ट करना था, तो शाहरुख खान की नहीं वो नहीं वो तो ऑलरेडी था, वो ऑलरेडी था, वो ऑलरेडी था, वो पॉजिटिव आया था, जो वो हर एक्टर का होता है जो दुआ और होता, क्योंकि पॉजिटिव में बनना ही था यार, वो एक थूक मारने को थूक कैसे कह सकता है कोई। अरे नहीं पर अरे ठीक है, पर वो मैं जो सबसे पहले पिक्चर मैंने वही देखी थी कि दिस डिफाइंस इंडिया, और उस पे दुआ और वो थी हाथ जोड़ने का, तो उसके बाद और उसने बल्कि शाहरुख खान ने तो दोनों किया, तो ये तो कोई वो ही नहीं बनता था तुक करने का, वैसे ये फालतू का था जो भी तक अभी भी लोग लिख रहे हैं भाई, अभी भी वो ट्रेंडिंग था। हां बंदा है बंदा, नहीं नहीं अब खैर वैसे कल कर रहा था मैं देख, पर देखो तो ये तो गया ना कि लाइमलाइट तो ले गया शाहरुख, अब वो भी तो था भाई, वो कुछ भी करेगा नहीं, वायरल होती वो पीयूष गोयल से कितना हाथ जोड़ के बार बार मिल रहा था शाहरुख, अब पीयूष गोयल से मिल तो रहा था ना भाई, पर पीयूष गोयल हमारा मिनिस्टर है, ये नहीं पता भाई, बंदे 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 देखा नहीं तुमने पीयूष गोयल के साथ मिलते हुए और उसके बाद कौन, हाँ मतलब बार बार पीयूष गोयल के हाथ पकड़ रहा था, पर शाहरुख खान कहता थैंक यू, तो ऐसी कुछ बोल रहा होगा भाई, मुझे मुझे सुनाई नहीं दिया, रणवीर भी गले मिला कर तो है, कौन है पीयूष गोयल, शाहरुख खान हमेशा तुम्हें अपने मिनिस्टर का भी नहीं पता, तुम्हें देख क्या क्या है, है सलमान, सच में नहीं पता पीयूष गोयल, सलमान नहीं गया तो सलमान सलमान जाता ही नहीं है, मैंने तो देखा नहीं था कभी कहीं किसी के, दिलीप कुमार श्रीदेवी के में गया था सलमान, बस वो भी एक दिन पहले, मतलब उसमें नहीं गया, मेरे पास भी है, अगर मैं निकलूंगा तो मैं नॉक हो जाऊंगा, यही से आएगा, तो वो तो है अबे भाई उसके बाद एम के वो है, एम के क्या मैं गया हूँ भाग जा, देख रहे हैं देख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, देख मैं जा रहा हूँ, चिंता मत कर, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं बचूंगा कि नहीं। अरे अरे तू रिकॉल करते हैं तू बच जाएगा भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो, कर दूंगा भाई, ऐसे गिर गिरा मत, गिर गिरा कौन रहा, पर मैं बोल रहा हूँ कि तू कुछ होगा नहीं तुझे, मजे मजे में क्या है बंदा, अरे बग्गी खड़ी है, बंदा नहीं है वहां पे, मैं इसलिए इस तरफ से आ रहा हूं ताकि सेफ रहूं, ठीक है, आई एम रिकॉलिंग अ टीममेट, थैंक्स,
बगी तो नहीं गाड़ी है। स्कूल जाओ क्या? स्कूल जाओ क्या? मैं आ रहा हूँ ना, फिर मैं भी चलता हूँ। हाँ आ जा। हाँ आ जा। एक मिनट चलो। अबे यार। बहुत दूर हो तुम लोग। जल्दी आओ। भाई मेरे पास, मैं भी गया ना यार। रियान जल्दी आ, रियान जल्दी आ, रियान मेरे पास आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास तो बंदे हैं। ओपी भाई कितना गलत हुआ है ना। बंदे आ गए रियान, भाग जाओ तुम तो गए। नहीं नहीं रियान, मैं मेरे पास, मेरे पास बता किधर है। बंदे आ रहे हैं इधर मेरे पास। आ रहे बंदे यहाँ नहीं है। अब आ गए। गेट जल्दी रियान, इस तरफ रियान। नहीं नहीं आ रहा इस तरफ। हां तो इसी तरफ रहा है। यार नस्ल अपन आपको बचाने के लिए पक्का आएगा वो इस तरफ। फरजाद नहीं आया। मैं अपनी सेंस यूज कर रहा हूं। तू मार देगा। हां आराम से जल्दी बस अभी यहां ना मारे, भी हील करते। हां अब आ जा। चीते दूर से मार रहा था। क्या मजाक है ये। कहाँ पे? दूर है। देख इस तरफ तो रुका नहीं। अरे गाड़ी में चल, बैठ 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 गाड़ी में बैठ। नॉट इन गुड पोजीशन मैन। अबे यहाँ पे स्मोक मार रहा है, यहाँ से करता स्मोक। भाई यार किसने बगी बात करी है। क्या कर तो पेट्रोल नहीं देख रहे थोड़ा सा। कितने हुए? 123। अरे वक्त का कुछ पता ही नहीं चल रहा। बंदा पीछे। हाँ कुछ नहीं करूंगा यार। तेज चला, तेज चला, तेज चला, तेज चला। हाँ नू मार दिया भाई। इतना बुरा कि भाई मुझे गाड़ी से मारा है ना, वरना बताता। ड्राइवर को गोली लग गई। फरजान ये होता है गाड़ियों में आजकल, बॉडीगार्ड रखा है और ड्राइवर को ही गोली लग गई। ऐसे मूवी में हो चुका है। शर्म आनी चाहिए भाई, हम लोग इतना बुरा खेल रहे हैं ना। शर्म आनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास